फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही डिलीशियस अरबी की सब्जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी। तो अरबी की सब्जी बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अरबी को बॉईल कर लिया है। तो मैंने इसे कुकर में सिर्फ एक ही सीटी करवाई है, सिर्फ एक ही सीटी में अरबी हमारी जो है वो रेडी हो जाती है बनाने के लिए। तो अरबी हमारी रेडी है बनाने के लिए, तो अब हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो साइज़ यहाँ पे आप पीसेस का मीडियम ही रखें, ना ज़्यादा छोटा ना बड़ा। तो आप छोटे छोटे पीसेस में यहाँ हम सारी अरबी को कट करके तैयार कर लेंगे। तो अरबी को देखो, मैंने सारा कट कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में। तो चलो अब हम चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। तो सबसे पहले हमने अरबी को यहाँ फ्राई करना है। तेल को आप यहाँ पे अच्छे से गरम कर लें और उसके बाद सारी अरबी आप तेल में डाल दें। तो चलिए, अरबी हमने डाल दी है फ्राई करने के लिए। जब तक वो फ्राई होती है, तब तक हम यहाँ पे प्याज और टमाटर काट लेते हैं। तो प्याज को यहाँ पे आप बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में अच्छे से चॉप कर लें। तो चलिए, हमने इसे चॉप कर लिया है। तो अब हम देख लेते हैं हमारी अरबी फ्राई हो रही है यहाँ पे। ये देखिए, कलर थोड़ा सा ब्राउन होने लग पड़ा है अरबी का। तो देखिए, यहाँ पे अरबी हमारी अच्छे से पूरी फ्राई हो गई है जितनी मुझे करनी थी। चलो अभी हम इसको निकाल देते हैं जल्दी। तो आप सुन सकते हैं कि हमारी अरबी कितनी अच्छे से फ्राई हुई है। ये देखिए, इसकी आवाज सुनिए। तो अब हम चलते हैं तड़के की तरफ। तो तड़का लगाएंगे अब हम यहाँ पे पैन में। एक तेल डाल दिया है मैंने और उसके बाद मैं यहाँ डाल रही हूँ तेज पत्ता, थोड़ा सा मैं दालचीनी डाल रही हूँ, हरी मिर्ची यहाँ पे मैंने काट के डाल दी है और जीरा मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और चलो अभी इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो आप देख रहे हैं कि मेरी एक मिर्ची का छोटा सा पीस कैसे घूम रहा है बीच में। क्या आपकी भी कभी इस तरह से मिर्ची घूमी है तेल में? अगर किसी की घूमी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं चॉप्ड गार्लिक और साथ में चॉप्ड जिंजर। इन दोनों चीज़ों को मैंने यहाँ पे डाल दिया है, अदरक और लहसुन को भी। और अब इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे हल्का सा। फिर उसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पे प्याज। तो प्याज को अब हम अच्छे से भूनेंगे, यहाँ पे फ्राई करेंगे। तो प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक यहाँ पे पकाना है ताकि हमारी ग्रेवी एकदम बहुत अच्छे से बन के रेडी हो, तभी हमारी अरबी की सब्जी बहुत टेस्टी बनेगी। तो ये देखिए, हमारा प्याज जो है अच्छे से फ्राई हो गया है। यहीं तक मुझे इसको पकाना है। तो अब मैं डाल दूंगी टमाटर। तो यहाँ टमाटर डाल के आप फिर से भी चला दें। टमाटर में हम डाल देंगे नमक। नमक से टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे नमक डाल देंगे और इसे थोड़ा सा और पकने देंगे। तो फ्राइड अरबी आपको लग रहा होगा कि कितनी हार्ड है, आवाज़ आ रही है उसको फ्राई करने से। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, जब आप उसको ग्रेवी में डालोगे ना, तो वो अरबी एकदम से सॉफ्ट हो जाएगी और आप ऐसे दबाओगे भी एकदम से टूट जाएगी। तो इतनी अच्छे से हमारी सब्जी बनेगी। तो चलो अभी हम डाल देते हैं सूखे मसाले। यहाँ पे मैंने मिर्च और हल्दी डाल दिया है, तो इसे भी हम मिक्स कर लेंगे, थोड़ा इसको भी पकने देंगे। तो यहाँ मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि हमारे सूखे मसाले भी अच्छे से पक जाएं, पूरी ग्रेवी बहुत अच्छे से बन के रेडी हो जाए। तो ये देखिए, मेरा ऑयल जो है बिल्कुल साइड पे आ चुका है। तो अब हम डाल देंगे यहाँ पे एक चम्मच बेसन, बिल्कुल छोटा वाला चम्मच है ये, टीस्पून समझ के चलो, बस उतना सारा मैंने यहाँ बेसन डाला है। ज़्यादा बेसन नहीं डालना है यहाँ पे, बिल्कुल थोड़ा सा बेसन डाल दें। और अब हम इसको कर देंगे यहाँ मिक्स अच्छे से और 2 मिनट के लिए बेसन को भी पकने देंगे। और अब हम यहाँ पे डाल देंगे गरम मसाला और आमचूर पाउडर, छोटे छोटे ये टीस्पून। मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला डाला है और 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर डाला है यहाँ। तो इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। और 1 मिनट के लिए इसको भी पकने देंगे। तो हमारी ग्रेवी देखो कितने अच्छे से रेडी हो गई है फ्रेंड्स। पूरा तेल जो है ग्रेवी ने छोड़ दिया है, बहुत अच्छे से ग्रेवी बन के रेडी हो गई है। तो बस इस तरह से जब आपकी ग्रेवी बन जाएगी, उसके बाद अब हम यहाँ पे डाल देंगे
अरबी हमारी जो हमने फ्राई की थी। तो जब आप ग्रेवी में अरबी को पकाएंगे तो ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगी, पूरा मसाला अपने अंदर सोख लेगी, तो बहुत ही टेस्टी अरबी की सब्ज़ी बनती है इस तरह से। मे भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी अगर आप इस तरह बनाएंगे तो। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक लेते हैं ऊपर से, ताकि हमारी अच्छे से जो मसाला है अरबी के अंदर चला जाए। तो ये देखिए हमारी सब्जी जो है पूरी बन के रेडी है, तेल साइड पे निकल गया है बाहर, और बहुत अच्छे से हमारी जो अरबी की सब्जी है वो बन गई है। अब हम थोड़ा सा धनिया डाल देंगे इसमें गार्निशिंग के लिए, और लीजिए हमारी गर्मा गर्म अरबी की सब्जी बन के रेडी है फ्रेंड। तो ये लीजिए आपके लिए डिलीशियस जमी और बहुत ही चटपटी सी सब्जी अरबी की बन के रेडी है। तो आप लोग इंजॉय करें। तो मिलते हैं फिर से एक और नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।